भारती देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम भूपेश बघेल किसानों को आज देंगे न्याय की दूसरी किस्त, खातों में ट्रांसफर होगा 1500 करोड़ रुपए। चीन में अब कोई नहीं रहेगा गरीब, बांटा जाएगा अमीरों का पैसा, जिनपिंग सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, हंगामे के आसार। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा का आज चौथा दिन, बोले कांग्रेस अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। सोमनाथ में आज पार्वती मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, कई प्रोजेक्ट की भी देंगे सौगात। कुपोषण के खात्मे के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पलीता लगा रही है। जनपद फिरोजाबाद के मक्खनपुर की महिलाओं ने गर्भवतियों और छोटे बच्चों को मिलने वाले पुष्ट आहार के वितरण में धांधली करने का आरोप लगाया है। मक्खनपुर में गीता आंगनवाड़ी के नाम से केंद्र है जिसको सत्यवती देवी कार्यकर्ती चलाती हैं। वहां की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि गीता सत्यवती की बड़ी बहन है जो कि आगरा में रहती है, लेकिन आंगनवाड़ी को सत्यवती देवी गीता नाम से चला रही है। मक्खनपुर निवासी महिला रूबी का आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पुष्ट आहार नहीं दिया जाता है। उसे अब तक मात्र एक बार दाल मिली है। महिला शबनम का आरोप है कि उसके दो छोटे बच्चे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उसके दोनों बच्चों को पुष्ट आहार देते हुए फोटो खींच लेती है, लेकिन पुष्ट आहार नहीं दिया जाता है, जिसका एक बच्चा कुपोषण का शिकार भी है। महिला रिहाना का आरोप है कि उसे मात्र दो बार पुष्ट आहार मिला है, यहाँ पर भी घी नहीं दिया जाता है। आरोप है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की शिकायत करने पर वो उनको पुष्ट आहार देना बंद कर देती है। महिलाओं ने बताया कि जब कोई अधिकारी जांच करने आता है तो ये घर घर जाकर महिलाओं को बुलाकर लाती हैं, और जब अधिकारी नहीं होते लिस्ट में नाम नहीं होने की बात बताकर महिलाओं को चलता कर देती है। महिलाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध रोष व्याप्त है। आज सभी महिलाओं ने विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी आभा सिंह को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी आभा सिंह के मामला संज्ञान में आते ही जांच कर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की बात कही। हमारा ये मामला, मेरा बच्चा है 2.5 साल का, बेटी ने राशन हमको बोलती है यहाँ से बैठी नहीं हो, हमारा घर है, बच्चा है, यहाँ पर हम लोग कहाँ रहेंगे। मुझे 2 साल से राशन नहीं दिया। देखिए ये प्रकरण मेरे सामने सबसे पहले अभी फर्स्ट टाइम आया है। मैं इसकी जांच करूंगी कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गीता कौन है और मक्खनपुर में क्षेत्रीय मुख्य सेविका कौन है, क्योंकि एक्चुअली ये जो पूरा प्रकरण है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्षेत्रीय मुख्य सेविका के संज्ञान में ना हो। इसी कारण मैं अगर इस प्रकरण की पूरी जाँच करने के बाद ये तथ्य संज्ञान में आता है कि वाकई में इस सेंटर का संचालन एक्चुअली में किसी अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा किया जा रहा है और नियुक्ति किसी और अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की उस जगह पर है, उसकी पर्सनल फाइल डिमांड करके इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। और रही बात पुष्टाहार वितरण ना करने की, तो ये जो शिकायत मेरे को प्राप्त हुई है मैं इसकी गहन जांच स्वयं करूंगी, उसके स्टॉक एंट्री वितरण रजिस्टर से इसका मिलान करूंगी और इसके बाद इसका प्रभावी निस्तारण मेरे स्तर से तत्काल किया जाए। मैं प्रयास ये करती हूँ कि इसका निस्तारण मैं कम से कम, अभी बीच में आपको पता है कि थोड़ा पास है, तो इसके लिए 23 तारीख के बाद मैं प्रयास ये करूंगी कि 2 या 3 दिन में इसका निस्तारण। उत्तर प्रदेश के एटा में अवैध गैस रिफिलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि गैस रिफिलिंग के कारण जिले में कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस और जिला पूर्ति विभाग की अनदेखी के चलते ये धंधा फल फूल रहा है। ये बड़ी खबर जनपद एटा के थाना मिरहची खेतर के गांव भड़ौली से है, जहां दिनेश पुत्र कोमल सिंह निवासी नगला गांव भड़ौली अवैध रूप से अपनी दुकान में गैस रिफिलिंग का काम करता है। गैस रिफिलिंग करते समय दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल दिनेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जी, बुझाने के चक्कर में जल गया। तो आप किस में गैस डालते हैं, काफ़ी दुकानें और आपकी? टेम्पो में डालता हूँ, मिराची दुकान है। अच्छा, मिराची दुकान है।
बरेली सपा नेता व पूर्व प्रत्याशी 118 विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी नसीम अहमद के नेतृत्व में ग्राम खमरिया के सैकड़ों लोग भाजपा व बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लोगों ने समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए अखिलेश यादव को दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। वहीं नसीम अहमद को बहेड़ी क्षेत्र से भारी बहुमत से विधायक बनाने की बात भी कही है। इस मौके पर नसीम अहमद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने देश को भेदभाव के ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां बलात्कार और किसी को भी उसकी वेशभूषा के आधार पर भीड़ द्वारा मार दिया जा रहा है, जो कि एक अक्षम्य अपराध है। सरकार हर तरह से विफल रही है व सभी भाजपा व बसपा छोड़कर आए हुए लोगों का स्वागत किया गया। सिद्धार्थनगर जिले में आज समाजवादी पार्टी नेता एवं पूर्व विधायक विजय पासवान ने ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर पूर्व विधायक विजय पासवान ने खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। सपा कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला स्टेडियम से लगभग 2 दर्जन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए विजय पासवान ने कहा कि हमारी सरकार आने पर जिला स्टेडियम को लखनऊ एकाना स्टेडियम की तरह बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे जिले के बच्चे मलेशिया देश से मेडल जीत के लाए हैं। सपा सरकार बनने पर जिले में खेल का विकास काफी तेजी से किया जाएगा। ताइक्वांडो वाले बच्चे हैं, इनका जो उत्साह करके क्या संदेश देना चाहते हैं? ताइक्वांडो के कोच हैं, लगभग 15 सालों से यहाँ के बच्चों को ताइक्वांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्होंने लगभग लाखों बच्चों को ये हुनर सिखा के ब्लैक बेल्ट और तमाम देश विदेश में भी अपना सिद्धार्थनगर का नाम रोशन करने का काम किया। हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो मलेशिया से भी अंतर्राष्ट्रीय देश से जाके उन्होंने ब्लैक बेल्ट सिल्वर ब्लैक गोल्ड और सिल्वर गोल्ड भी लेके आने काम किए हैं। लेकिन यहाँ की सरकार, योगी सरकार, ये नौजवानों युवाओं का विरोधी है। ये खाली जनता को गुमराह करती है, कभी इनको प्रोत्साहन ना दी, ना सिद्धार्थनगर के खिलाड़ियों को कभी मान बढ़ाया। तो हम लोगों ने आज जब कोई नहीं पूछा, सर बीजेपी और योगी सरकार के लोग, हम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के सिपाही हैं और हम लोग हर समाज को, हर नौजवान को, सबको साथ लेकर चलने काम कर रहे हैं। आज इसीलिए आज पार्टी कार्यालय में तमाम हमारे बच्चे खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल देकर उनको सम्मानित किया गया है और इनसे वादा भी किया कि हमारा सरकार 2022 में आने वाला है, हम विधायक बनेंगे और नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमारे तमाम ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो आज खेल के कूद के दुनिया में हर फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा के कपिल दत्तू सिद्धार्थनगर का नाम रोशन कराने का काम करेंगे और एकाना स्टेडियम के तर्ज पे हमारे नवगढ़ का स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। क्योंकि योगी सरकार कभी किसी के लिए काम नहीं करती है, एक ईंट पत्थर रहने काम नहीं किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बगल में बन रहा है, वो भी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव की देन है, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का देन है, जो यहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो उसी शर्त पे अगला 2022 सरकार हमारी आएगी, हम लोग एकाना की तरह यहाँ स्टेडियम बना के खेल प्रशिक्षण करवाएंगे और तमाम नौजवानों में जोश भर के उसको देश विदेश खिला के हमारे जिले का नाम रोशन कराने का काम करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज अपने लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज पहुंचे। पंकज चौधरी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। सड़क के किनारे बड़े बड़े होल्डिंग और नारों से समर्थक पंकज चौधरी और बीजेपी की जय जयकार कर रहे थे। आपको बता दें कि पंकज चौधरी के 6 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय टीम ने वित्त राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। महाराजगंज के धानी फरेंदा से होकर पंकज चौधरी जन आशीरवाद यात्रा को लेकर पड़िया ताल मंदिर पहुंचे और पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में चल रहे जन आशीर्वाद यात्रा में बस्ती सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। यहां का विकास तेजी से किया जाएगा। इसके बाद पंकज ठूटीबारी निचलौल मिठौरा होते हुए महाराजगंज के लक्ष्मी लॉन पहुंचे और जनता को संबोधित किया। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा का कुल मकसद था देश के प्रधानमंत्री, आप लोगों ने देखा होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था, तभी उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूँगा। और उसी सेवक का हम लोग सेवक हैं जो आज हम लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। प्रधानमंत्री जी का एक
सुझाव था कि अगर हम अपने क्षेत्र में जाने से पहले कम से कम 5-7 लोकसभा में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के बुरे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, और जो भारत सरकार का काम है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, वो जमीनी स्तर पर पहुँच रहा कि नहीं, उसका भी मूल्यांकन करने का काम करे। इसीलिए जन आशीर्वाद यात्रा निकला। जनता को क्या संदेश है? जनता को यही संदेश है कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, उसके तहत भारत सरकार जो काम कर रही है, उसमें जो छोटा बचा हुआ अधूरा कार्य है महाराजगंज में, उसको हम सब विधायक सांसद मिलकर पूर्ण करने का काम। आपने यात्रा किया है इतने दूर से, लखनऊ से आपने यात्रा शुरू किया है, क्या लगा जनता का, क्या पब्लिक का क्या रुझान लगा आपकी यात्रा के? मैं कहूँगा दिख नहीं रहा क्या, तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, डोमरियागंज, सिद्धार्थनगर, इटवा और आज मैं महाराजगंज में आया हूँ, जो जनता का उत्साह है देखने लायक। क्या लगता है 2022 की तैयारी को लेकर इस तरह की क्या यात्रा निकाली गई है? देखिए, ये चुनाव की तैयारी को लेकर तो यात्रा नहीं है, ये आशीर्वाद यात्रा है, क्योंकि मंत्री केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बने, मंत्री पूरे देश में बने हैं, और मंत्री जहाँ जहाँ भी गए हैं हर प्रदेश में यह आशीर्वाद यात्रा निकली है। लेकिन निश्चित तौर से हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो अर्थ आप निकाल सकते हैं और इसको चुनाव का। प्रधान मुन्नीलाल नयनेश्वर ब्रजमनगंज महाराजगंज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।